हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गाबा कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर होल नंबर्स, इसकी पार्ट टू। जिसने मेरा पहला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज जाके देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है और एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है। आज हम इस चैप्टर के फाइनल पार्ट पे हैं और आज मैंने सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के लिए हुए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें मल्टीप्लाई करना है लेकिन सूटेबल रीअरेंजमेंट्स, उनका अरेंजमेंट्स करके करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, हमें दो का ग्रुप बनाना है, ठीक है, और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में लास्ट डिजिट जीरो जरूर आए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एक तरीका तो है कि हम जैसे ये क्वेश्चन है 625 को 279 से मल्टीप्लाई करके देखें, अगर लास्ट में जीरो आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 625 को इसके साथ। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज देखिएगा। देखिए, सभी नंबर्स की लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 596। अच्छा, लास्ट डिजिट सबकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक दूसरे के साथ, आपको पता चल जाएगा जीरो आ रहा है या नहीं। 5 9 45 जीरो नहीं आ रहा तो ये दो नंबर नहीं लेंगे, 5 6 30 आ रहा है तो ये दो नंबर ले लेंगे। तो इन दोनों नंबर को हम ले लेंगे एक साथ ग्रुप में लेंगे, और जब लेंगे दोनों को तो ब्रैकेट में लिख दिया और जो बच गया एक नंबर वो अलग से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब आगे और सुनिए, अब ये दोनों है, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 5 30 6 2 12 3 15 6 6 36 37 1 5 2 6 0 5 5 10 7 2 9 1 10 6 9 और 1 10। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 10,000। ओके, आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 279 से। अब और सुनिए, और भी इजी है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको 279 से मल्टीप्लाई कर, अरे बहुत लंबा आ जाएगा। सुनिए इजी ट्रिक लेके, जब कभी भी ऐसा आ जाए जीरोज आ जाए मल्टीप्लाई करते समय, तो बहुत सिंपल है, कितनी जीरो है 4, तो 4 0 पीछे राइट साइड में लिख दो। अब बचा क्या 1 1 को 279 से मल्टीप्लाई करें, अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो दूसरा ही नंबर आता है ना 1 को, इसलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन की मेरी फर्स्ट पार्ट देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है 1 को आप किसी से भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, जैसे 1 5 5 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, ऐसे ही 1 को 279 से मल्टीप्लाई करेंगे 279 और 40, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका एक और पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी देखिए, 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अब इसमें भी दो दो का ग्रुप बन जाएगा स्टूडेंट, तो वही लास्ट वही प्रोसेस वही है, 5 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ रहा है, तो इसके साथ इसका पेयर बन सकता है, तो क्या और किसी के साथ भी बन सकता है, 5 8 40 इसके साथ भी बन सकता है, 5 इसके साथ नहीं, ये इसका पेयर 125 का आप चाहे 40 के साथ बना दीजिए चाहे 125 का 8 के साथ। इजी क्या है, किसके साथ इजी करना आपको बेस्ट रहेगा, इसके साथ इसके साथ, तो कहेंगे आप इसके साथ, वैसे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 125 को इधर आप 40 से कर दीजिए, 125 को 8 से, ठीक है, तो खैर करें, तो हमने ये कर दिया 125 को 8 से, और दूसरा पेयर 40 के साथ 25। ओके, इजी है, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए,
8 5 = 48 16 और 4 = 28 = 2 10 1000 आ गया 40 को 20 एक जीरो है तो एक जीरो आएगा आएगा 25 को किससे करेंगे 4 से 25 फोर जा 100 ओके स्टूडेंट करके देख लीजिए 25 फोर जा 100 हो गया ना। अब देखिए 3 जीरो और यहाँ पे 2 तो 5 जीरो हो गई हो गया ना 1 1 जा 1 हो गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट का सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग है ओके। देखिए सेकंड वाला देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपके सामने नोट कर लेता हूँ। 81,265 × 139 − 81,000 × 39। स्टूडेंट इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, बीच में यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा ठीक है। तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी। अच्छा अब इसमें एक नंबर ऐसा होगा स्टूडेंट जो दो बारी रिपीट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सिक्स क्लास में नोइंग अवर नंबर है चैप्टर आपका फर्स्ट, उसमें भी था, जिसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम पे कराया था, वो भी जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था और मैंने बताया था ये आप आगे करेंगे, तो अब आ गया है। देखिए एक नंबर है जो दो बारी होगा, एक ही नंबर है ठीक है। कौन सा है स्टूडेंट आप बोलेंगे 81,265 ओके। इसको बाहर की तरफ लिख लो और जो बाकी बच गया उसे ब्रैकेट में अंदर लिख दीजिए ओके। तो आपने यहां से देखेंगे, इसमें से आपने 81,265 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 139। ये माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस ठीक है। ऐसे ही इधर से आपने कॉमन बाहर आ गया, कॉमन 81,265, अंदर क्या रह गया 39 ओके स्टूडेंट्स। देखिए अब मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, माइनस कर दीजिए 139 में से 39 गए 100। अब फिर मल्टीप्लाई को पता है आपको, दो जीरो आ जाएंगे और वन को आप किसी से भी करेंगे मल्टीप्लाई, वन को आप इस नंबर से करेंगे तो यही नंबर आएगा ना, और दो जीरो। तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर टू का ठीक है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ की जगह पे कुछ और भी वर्डिंग्स लिख सकता है, सिंप्लीफाई इवेल्युएट, लेकिन आप ये क्वेश्चन को देखते ही जज कर लेंगे कैसे करना है ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन टू था, अब क्वेश्चन थ्री पे बढ़ेंगे, एक बार आप नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन थ्री देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। दो पार्ट लिया मैंने इसके, पहला पार्ट है 746 × 1008। स्टूडेंट बहुत सिंपल है ये, दोनों नंबर में से आप ये देखिए हमें, हम किसको टुकड़े कर सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ राउंड ऑफ करने की कोशिश कीजिए, राउंड ऑफ राउंड ऑफ। जैसे स्टूडेंट्स 100 102 है, इसको आप कैसे टुकड़े करेंगे, इजी तरीका क्या है, 100 + 2 102 राउंड ऑफ वाले 100 200 300 400 1000 ऐसे वाले नंबर ढूंढ लो, बस आपका काम बन जाएगा हमारा। देखिए तो हम कहेंगे भाई ये है 1008 है ना, 746 1008 को कैसे लिखेंगे, 1008 को 1000 + 8 + करके यही बनेगा ना, क्लियर है स्टूडेंट, बन गया ना 1008 को 1000 + 8। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको और मैं अब आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि ये जब भी इस तरीके से टर्म हो, बाहर कोई भी नंबर लिखा हो स्टूडेंट्स, अंदर वाले हर एक नंबर से वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई है ना ठीक है ना। तो बाहर जो भी नंबर लिखा है वो अंदर वाले हर एक नंबर से मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे 746 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1000 से,
तो ये जो साइन है यही रहेगा, ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी। तो 746 और किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 8 से, बाहर वाला सब से, अंदर वालों से, पहले 746,000 से, फिर 746 8 से। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई को आप समझ ही गए, 3 जीरो है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 746 को तो यही आएगा। फिर 8 से इसे कर दीजिए, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 और 4 36, 8 7 जा 56 और 3 59, दे रहा ना, एक बार चेक कर लें, 8 6 जा 48, 8 4 जा 36, 8 7 जा 56 और 3 59, ओके ठीक है, प्लस कर देते हैं, लास्ट 3 जीरो है तो 9 6 8 हो गया, प्लस 5 और 6 11, 5 7, ओके स्टूडेंट, ये आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, सेकंड पार्ट क्या है, 504 इंटू 35। अब इसको मैंने वही बोला ना आपको, राउंड ऑफ वाला लेना, तो इसमें तो राउंड ऑफ क्या है, इजी वाला क्या है, 500, तो इसके टुकड़े कर देंगे, ठीक है, इसको ब्रेक कर देंगे। तो ऐसा करके ना, पहले आप ना ये नंबर आगे लिख लो और ये बाद में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी, मल्टीप्लाई है, अब हम 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 लिखे, कोई फर्क पड़ा है नहीं, सिंपल, ठीक है, इसलिए तो हम क्यों ना इसको बाद में लिख दे। तो 35 इंटू 504 को ब्रेक कर दो, कैसे करोगे 504 को, 500 प्लस 4, ओके स्टूडेंट, फिर वही आ गया, बाहर लिखा हुआ है, जितने भी अंदर लिखे हैं सबसे क्या करेगा, बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई 500 प्लस है तो प्लस, 35 मल्टीप्लाई 4, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा है, 35 को, अब दो जीरो है तो दो जीरो आएंगी, है ना, दो जीरो, 35 मल्टीप्लाई 5, 17,500 है जी, 17500 प्लस 35 फोर जा 4520 40, ओके स्टूडेंट, प्लस कर दीजिए 0 4 1 और 5 6 17640, ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओके नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया है अब हम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कम है कुछ है, इसमें से एक ये वाली भी है, ठीक है, करें स्टार्ट लास्ट वाला। हाँ जी, एक वेंडर है, अच्छा लाइक करते रहिए प्लीज चैनल को, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेंगे, ठीक है, अच्छा बढ़िया आ रही है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब वेंडर सप्लाइज, एक वेंडर है, वेंडर हो गया बेचने वाला सामान, वेंडर सप्लाई कर रहा है 32 लीटर मिल्क, 32 लीटर ऑफ मिल्क सप्लाई करता है होटल में सुबह मॉर्निंग, और 68 लीटर करता है दूध शाम को सप्लाई, और जो मिल्क वो बेचता है उसकी कॉस्ट क्या है, 1 लीटर, एल लीटर है, ठीक है, 1 लीटर की कॉस्ट है 45 रुपीज, यानी 1 लीटर बेचता है तो उसको 45 रुपीज मिलते हैं, हमें बताना है हाउ मच मनी इज ड्यू, हर रोज कितना पैसा वो लेता है, कमाता है, ठीक है ना वेंडर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कभी भी लीटर में आ जाए ना चीज, लीटर में लिक्विड चीज आती है, जैसे मिल्क भी लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में है, तो हमेशा आप स्टेटमेंट की स्टार्टिंग कीजिए क्वांटिटी से, ठीक है, स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइज टू, इसको करता है टू अ होटल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में करता है, कितना करता है 32 लीटर, सेम रहेगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू अ होटल, ये सेम है इसलिए मॉर्निंग की जगह आ जाएगा, इवनिंग में कितना करता है 68 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क की क्या कॉस्ट है स्टूडेंट्स 45, अब मैं बता रहे हैं ना आप,
अब हम वर्किंग करके बताएंगे। सोचिए, सबसे पहले वो सुबह दूध देने जाता है होटल में, कितना लीटर करता है? 32 लीटर। एक लीटर कितने का है? 45। एक लीटर 45 का है तो 32 लीटर कितने के होंगे? सोचो, एक लीटर मिल्क की कॉस्ट 45 है एक लीटर की, और 32 लीटर की कितनी होगी? जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत आने वाले हैं, एक की कॉस्ट दे रखी है या एक के बारे में बताया हुआ है और हमें ज्यादा के बारे में बताना है, अलग बताना है, डिफरेंट बताना है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपए है, 15 पेंसिल कितने की होगी? 15 पेंसिल्स। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5 × 15 = 75, ठीक है ना। तो एक के बारे में बता रखा है और आपको ज्यादा के बारे में बताना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बात आगे करते हैं, कंटिन्यू। एक लीटर मिल्क की कॉस्ट 45 है, 32 लीटर की कितनी होगी? 45 × 32 होगी। प्लस क्यों किया? क्योंकि भाई सुबह से जो पैसा कमा के आएगा, इवनिंग का पैसा भी तो जोड़ा जाएगा ना, तभी तो टोटल पूरे दिन का निकलेगा। अब शाम को कितना लीटर सेल करता है, वो सप्लाई करता है होटल में मिल्क? 68। तो एक लीटर 45 का है, 68 लीटर, 45 × 68 बन गया ना क्वेश्चन। वही वाला स्टूडेंट, देखिए अब आगे, अब वही आ गया, सेम है ये, सेम है इसमें से और इसमें से। क्या सेम है? 45 सेम है ना इसमें और इसमें से। 45 बचा क्या? यहाँ से 32 बच गया, प्लस है तो प्लस आएगा, और यहाँ से 68, क्योंकि 45 तो बाहर आ गया। 45 32 + 68 100, मल्टीप्लाई 20, 45 बन जा 45 आ गया, तो यानी 4500। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट लाइन, वेंडर अर्न्स रुपीज 4500, फिनिश। ये है, ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा। हो ये चैप्टर था हमारा होल नंबर, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि और भी जने इसका बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।